आज एक ऐसी घटना की कहानी आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं, जिस घटना में एक बेताल एक बच्चे के कुछ इस कदर से पीछे भिड़ गया कि मानो उसकी जान लेकर ही छोड़ेगा। बेताल ने बहुत कुछ तहस नहस कर दिया इस परिवार का। आइए चलते हैं आज से ठीक 5 साल पहले सन 2019 में और जानते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी को। तो भाई, राजस्थान के एक शहर में एक परिवार बड़ी अच्छे से अपनी जिंदगी काट रहा था। इस परिवार में 2 लड़के थे, एक का नाम था अरुण और एक का नाम था अनिकेत। दोनों की ही उम्र कम थी, इतने बड़े बड़े नहीं हुए थे। अनिकेत बड़ा वाला था और अरुण छोटा वाला भाई था। एक दिन की बात है, जिस मोहल्ले में ये लोग रहा करते थे, उस मोहल्ले के लोगों ने ये डिसाइड किए कि हम लोग ना माता रानी का जागरण रखेंगे। मोहल्ले के सभी लोगों ने चंदा वंदा दिए, सभी लोगों ने मिलजुल कर इस जागरण के लिए तैयारी शुरू किए थे। आखिरकार जागरण वाला दिन आया। रात भर यहाँ पे बहुत अच्छे माता रानी के भजन नाच गाने सब चलने वाले थे। इसी वजह से इन लोगों ने डिसाइड किए थे कि मोहल्ले के बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पॉइंट में ही हम लोग एक टेंट जैसा लगाएंगे और वहीं पर मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठे होंगे। लेकिन ऐसा है ना कि भाई रोड में गाड़ियां वगैरह भी आती जाती है, तो उनके रोक के लिए नाकाबंदी कर देंगे। तो जितने भी बच्चे वगैरह हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो सब इकट्ठे हुए और टेंट वेंट जहाँ पर लगा हुआ था उसके चारों तरफ नाकाबंदी करने लगे। अरुण अनिकेत भी इसमें शामिल थे, लेकिन इतने बड़े रूप से नहीं, क्योंकि ये दोनों ही छोटे छोटे थे। इसके जो खासकर जो अरुण के दोस्त थे ना, वो बहुत एक्टिव रहते थे, दिन भर खेलते रहते थे। उनके साथ अरुण भी हर खेल कूद में हर काम में पूरी तरीके से शामिल रहता था। अब जब से ये टेंट लगने का काम नाकाबंदी का काम शुरू हुआ था, तो अरुण और अरुण के दोस्त और भी ज़्यादा एक्टिव हो गए और जहाँ पर ये पूरा माहौल लगा हुआ था जागरण वाला, वहाँ पर ये बच्चे खेलने लगे। ऐसा नहीं था कि छोटी सी जगह में इन लोगों ने किए हुए थे, अच्छा खासा बड़ा सा एरिया इन लोगों ने अपने अंडर में रख लिए थे कि हाँ यहाँ पर सब कुछ होने वाला है। शाम के 6 बजे के आसपास हल्का हल्का अंधेरा हो चला था, ठंड का टाइम था। ठंड के टाइम में जल्दी अंधेरा हो जाता है, गर्मियों के टाइम में तो कई बार 7:30 बजे भी अंधेरा होता है, लेकिन ठंड में तो आप देखेंगे 6:45 बजे से ही ऐसा लगने लगता है कि अरे रात होने लगी क्या। तो उस दिन भी कुछ ऐसा ही होने लगा था। यहाँ पर जागरण के टेंट का काम चल रहा है और वहाँ से लगभग 70 मीटर दूर ये बच्चे लोग खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? जो बॉल होती है ना, बॉल से मारा पीटी खेल रहे हैं अरुण और अरुण के दोस्त। अनिकेत भी थोड़ी देर खेला था, लेकिन फिर अनिकेत ने बोला अरे हो गया यार, अभी घर भर जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, कपड़े कुपड़े बदलेंगे और फिर मम्मी पापा के साथ आएंगे, चल बोल के ऐसा अरुण को बोला था। लेकिन अरुण ने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं यार, अभी मैं खेलूंगा, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, अभी मेरे सारे दोस्त लोग हैं, तुम्हारे दोस्त चले गए तो मेरे को क्यों चलने के लिए बोल रहे हो, तुम जाओ। ऐसा बोल के उसने अपने भाई को जाने के लिए बोल दिया और अरुण अपने दोस्तों के साथ मशगूल हो गया खेलने में। चल रही है भैया मारा पीटी, चल रही है। फिर अचानक से अरुण की तरफ किसी ने मारा और अरुण ऐसा बचा और वो बॉल एक कार के नीचे चली गई। ये कार यहाँ पर जो अंकल जी रहते थे, मतलब जिनके घर के सामने ये लोग खेल रहे थे, उनकी कार थी। वो अंकल जी इस कार को चलाते ही नहीं थे, ना जाने कितने सालों से ये कार वहाँ पर रखी हुई थी। ये बच्चे लोग उसके ऊपर कुछ पेंटिंग वेंटिंग जैसा भी करते रहते थे। अंकल जी कुछ बोलते नहीं थे, क्योंकि अंकल जी को शायद इस कार से मतलब ही नहीं था। मैं किस अंकल जी की बात कर रहा हूँ समझे ना आप, जिनके घर के सामने ये लोग खेल रहे थे। ठीक है, अब बॉल कौन निकालेगा? तो जो सबसे पास रहता था बॉल के, जिसकी तरफ बॉल फेंकी गई है और बॉल कहीं गई तो बॉल वही निकालेगा, ऐसा वाला सिस्टम था इन लोगों का। तो अरुण झुका, अंधेरा तो हो चुका था, अंदर कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हाँ इतना अंधेरा भी नहीं हुआ था कि कुछ ही दिखाई ना दे, थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। अरुण ने अपना हाथ बाहर डाला और कुछ तो भी ग्रीन ग्रीन सा दिखा, उसने पकड़ के ऐसा बाहर निकाला, बोला अरे बाप रे, इतना बड़ा नींबू, इतना बड़ा नींबू था बॉल के साइज का। उस नींबू के ऊपर ना कुछ लाल लाल भी लगा हुआ था, उसके हाथ में वो लाल लाल लग गया। उसने फटफट फटफट अपनी शर्ट में पोंछा, फिर अचानक से उसको ना उस हाथ में खुजली सी होने लगी। इसने ऐसा कर लिया और फिर वापस से उस कार के नीचे हाथ डाला, फिर बॉल हाथ में नहीं आई, हाथ में आया एक गुड्डा, लेकिन काला गुड्डा नहीं,
ज्यादातर फिल्मों में, भूतिया सीरियल्स में आप लोगों ने देखे होंगे, काले रंग का गुड्डा होता है, उसके ऊपर सुइयां चुभोई जाती है और उससे वूडू मैजिक को अंजाम दिया जाता है। लेकिन ये काला गुड्डा नहीं था। काले गुड्डे को तो इसने भी बचपन में किसी सीरियल फिल्म में देखा हुआ था, इसको मालूम था कि कुछ भूतिया चीज से कनेक्टेड रहती है ऐसी चीज़ें। लेकिन नहीं, ये जो गुड्डा था ना, ये बड़ा अजीब दिख रहा था। उस गुड्डे के बाल थे, वो बाल लिटरली रियल से फील हो रहे थे। वो गुड्डे का जो मतलब पूरा बॉडी जो बनाई गई थी, इतना बड़ा था। हाँ, टॉय था गुड्डा, समझ रहे हो ना आप लोग, इतना बड़ा था। उसकी जो पूरी बॉडी थी ना, उसको छूकर ऐसा लग रहा था कि वह स्किन है। जैसे कि आप किसी की स्किन को या खुद की स्किन को छुएंगे तो आपको क्या फील होगा, वही फील अपने अरुण को उस गुड्डे को छूकर हुआ था। उसके बड़े अजीब से चेहरे की आकृति भी बनी हुई थी, उसको बहुत गंदा सा फील हुआ, उसने उसको हटा दिया। उस गुड्डे के पास से बहुत गंदी स्मेल भी आ रही थी। वहां पर एक लाल रंग की पोटली भी रखी हुई थी, उसके अंदर भी कुछ कुछ भरा हुआ था। और फिर ऐसा कुछ सर्कल सा था, उसमें ढेर सारी सुइयां चुभी हुई थी। सर्कल कुछ तो पता नहीं मिट्टी का था कि क्या था, ऐसा गोल डिस्क जैसा, और उसके पूरे उसमें, पूरे सर्कल में ऐसी सुइयां चुभी हुई है। वो तुरंत देखते रहा और तुरंत उसको पीछे से एक दोस्त ने चिल्लाया, अरे भाई क्या देख रहा है, नीचे से बॉल निकाल रहा है कि बना रहा है, निकालना। इसने बॉल पकड़ा और बाहर निकल गया। अपने दोस्तों को कुछ नहीं बोला, फिर खेलना खुलना शुरू कर दिया। फिर इसको ना ऐसा कुछ बहुत अचानक से थकान जैसी फील होने लगी, और बार बार वही याद आ रहा था। इसने दोस्तों को बोला, अरे अब हो गया यार, अभी मैं जाता हूँ, अभी तैयार वैयार होके इधर आना भी तो है। दोस्तों ने बोले, ठीक है भाई, हम भी जा रहे हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं, चलो। सब अपने अपने घर चले गए। अब अरुण अपने घर पर आया, नहाया धोया, तो इसकी मम्मी बोलने लगी कि नहीं नहीं अभी मत जा, अब सब लोग जाएंगे। इस वक्त लगभग 7:30 बज चुके थे। इसकी मम्मी बोल रही थी कि अभी मत जा, हम लोग जाएंगे तब जाना, लेकिन ये बिल्कुल सुनने को नहीं, नहीं मेरे सारे दोस्त पहले पहुंचने वाले हैं, मेरा आज दोस्तों के साथ माहौल है, आप लोग डिस्टर्ब मत करो, ये मत करो, वो मत करो, जिद करके ये निकल ही गया। अब घर से निकला है, पता नहीं क्यों इसको क्या दिमाग में सूझी कि इसका एक दोस्त था, वो दोस्त ना अक्षय नाम का, वो थोड़ा दूसरे एरिया में रहा करता था। इसने सोचा कि अक्षय को पकड़ते हुए मैं घूम के उधर जागरण वाले पॉइंट में पहुंचूंगा, तो एक दूसरे रास्ते से जाने लगा। ये रास्ता था एक मेन रोड जैसा, मतलब लिटरली ये वहाँ से जा रहा है, और वो इलाका पूरी तरीके से शांत था, भी वहाँ से कोई भी गाड़ी वाड़ी नहीं आ रही जा रही थी। अचानक से लिटरली वो रोड क्रॉस कर ही रहा था कि एक स्कूटी बहुत तेज आई, उसको बहुत गंदी तरीके से ऐसा हाथ में मारी है उस स्कूटी ने, ये बहुत बुरी तरीके से मुंह के बल गिरा। अब उसी तरफ इसके फ्रेंड अक्षय का घर था। आवाज़ आई चिल्लाने की, तो अक्षय सबसे पहले बाहर निकला, कौन चिल्लाए, किसको क्या हो गया। अक्षय निकला तो देखा, अरे ये तो मेरा दोस्त अरुण है, वो भागते हुए आया, उसको उठाया, क्या पाया कि अरुण तो बेहोश हो चुका है। अब ये शॉक्ड, इसको उठा के ये फटाफट अपने घर तरफ ले गया। फिर उससे घर वालों ने अरुण के घर पर फ़ोन किए। अब अरुण का भाई अनिकेत, अरुण के पापा वगैरह सब लोग आए, बोले कि चलो हॉस्पिटल लेके जाएंगे। हॉस्पिटल लेकर गए हैं भाई, लिटरली डॉक्टर ने बोले कि हाथ बहुत बुरी तरीके से फ्रैक्चर हो गया है और रॉड वॉड डलेगी। तो अब अरुण बोल रहा है कि मुझे इतनी ज़ोर से वो स्कूटी ने धक्का मारा ही नहीं था कि मेरा हाथ टूट जाए, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, शायद मुझे चक्कर इसलिए आ गया था क्योंकि मैं मुंह के बल गिरा था तो नाक में लगी थी, और आप लोग कह रहे हो कि नाक में मेरे कुछ हुआ नहीं है, मेरे हाथ को ऐसा कैसे हो सकता है, इसको हाथ में बहुत गंदा भी पेन हो रहा था। फिर इसको वो सारा काम हुआ, ये जागरण तो आज धरा का धरा रह गया। जागरण में इस परिवार का कोई भी शामिल नहीं हो पाया और ना ही अक्षय शामिल हो पाया। अब इसको वहाँ पे प्लास्टर, पहले बोल दिए कि चलो एक बार प्लास्टर करके देखते हैं, अगर ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो रॉड डालेंगे अगली बार निकाल के, तो ठीक है प्लास्टर लगा हुआ है। अब इसकी दवाई हवाई चल रही है, प्लास्टर चल रहा है, आराम मिलना चाहिए ना, आराम एक बूंद का नहीं मिल रहा है। प्लास्टर कराए हुए इसको 1 हफ्ते हुए हैं। 1 हफ्ते बाद अचानक से रात के 2 बजे के आसपास इसको आवाज़ आती है किसी की, अरुण अरुण इधर आना ज़रा, ये जागता है। ये आवाज़ किचन से आ रही थी, किसकी आवाज़ थी नहीं मालूम। ये उठा और किचन गया, देखा कि किचन में कोई नहीं है। अचानक से इसके पीछे एक ग्लास रखी हुई थी, वो ठम से गिरने की आवाज़ आई, कि बहुत ज़ोर की गिरी थी।
इसलिए इसकी मम्मी की नींद खुल गई। वो किचन में भागती आई, बोली कि अरुण क्या हो गया, तू किचन में क्यों खड़ा है? ये बोलता है, नहीं मम्मी मुझे ऐसा लगा मुझे किसी ने बुलाया है। बोली कोई नहीं, तेरा वहम होगा या सपना होगा, चल चल जाके सो जा, कोई नहीं है। ऐसा बोल के इसको सुला दी इसकी मम्मी ने इसे कमरे में। अब फिर अगला दिन निकला। अगले दिन से इसको हर पल यह एहसास होने लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई है, ये कहीं पे भी जा रहा है, लिटरली ऐसा लगता कि साथ साथ में कोई चल रहा है। हर टाइम सिर में दर्द बना रहता, हर टाइम ये हाथ में दर्द बना रहता। धीरे धीरे करके ये इतना ज़्यादा डरा रहने लगा कि इसकी मैं क्या लिमिट बताऊँ। मतलब उसको ऐसा होने लगा था कि अभी मैं घर से बाहर निकलूँगा और अभी मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाएगी। इतनी ज़्यादा कंडीशन इसकी बिगड़ गई थी। कैसे कैसे आने वाले 20 दिन कटे हैं। फिर एक रात की और बात है, इसके मम्मी पापा सो रहे थे। इसके मम्मी पापा को ऐसा आभास हुआ कि हमारे कमरे के सामने से कोई निकल के गया। ये दोनों उठे हैं और जैसे देखे ना तो क्या पाए कि इनका जो लड़का अरुण है वो घर का दरवाज़ा खोल के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। बोले कि अरुण कहाँ जा रहा है तू? लेकिन अरुण ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके पास गए तो ये बिल्कुल नींद में था, मतलब ये स्लीप वॉक कर रहा था। मम्मी ने बोली अरे इसको चल के सुलाओ, ये बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसको डिस्टर्ब मत करना ऐसा सुलाने से पहले। पापा ने सुला दिए। अगले दिन क्या देखी इसकी मम्मी ने कि रात के समय फ्रिज में से कुछ निकाल निकाल के खा रहा है। इसको बोली भी ऐसा डायरेक्टली निकाल के मत खा, भूख लगी है तो मुझसे बोल, जबकि ये बहुत रात का समय था। लेकिन अरुण ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो समझ गई ये स्लीप ईटिंग डिसऑर्डर का भी मामला है। मतलब एक रात पहले इसको स्लीप वॉकिंग हुई, अगले दिन इसको स्लीप ईटिंग हो गई। मतलब स्लीप ईटिंग इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है ना कि इंसान क्या उठा के कब खा जाए उसको खुद को पता नहीं होता है। इसकी मम्मी ने इसके पापा को बोली, सुनकर उसके पापा भी टेंशन में आ गए। बोले कि थोड़ा ध्यान देना भाई, अब एक एक कुछ भी चीज़ होती है वो मुझे बताओ। अगली रात को दोनों को नींद नहीं आ रही थी मम्मी पापा को। रात के 2:45 बज रहे होंगे, ऐसी करके आवाज़ सुनाई थी। दोनों घबरा गए, उठकर गए हैं लिटरली अपने कमरे से निकल के उसके कमरे की तरफ। उसके कमरे के दरवाजे में ना एक आदमी को खड़ा पाए हैं। पापा घबरा गए, कौन हो तुम? ऐसे जैसे बोले हैं ना, वो जो आदमी था वो लिटरली पलटा है। उसका चेहरा इतना डरावना दिखा है, वो एकदम तेज़ी से दौड़ के आया और उनकी एक दीवार थी सामने, वो दीवार के अंदर घुस गया, गायब। इसके मम्मी पापा दोनों शॉक। वो चिल्लाने की आवाज़ सिर्फ इसके मम्मी पापा को ही आई थी, अरुण और अनिकेत को शायद नहीं आई थी। वो दोनों अभी भी सो रहे थे। मम्मी पापा समझ गए कि इसके साथ कुछ बड़ी प्रॉब्लम हुई है। फिर क्या था, सुबह हुई, हमने बेटे अरुण से पूछे कि बेटा तुम्हें किसी के होने का कुछ आभास होता है, तुम्हें कोई दिखाई देता है क्या? तो अरुण बोलता है नहीं कोई दिखाई नहीं देता है, लेकिन मेरी कंडीशन बहुत ख़राब है, हर टाइम मुझे कुछ कुछ खुसफुसाने की आवाज़ कान में सुनाई देती है, हर टाइम ऐसा फील होता है कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है, मैं पलट के देखूँ तो कोई नहीं होता है, हर टाइम ऐसा लगता है कि मैं घर से बाहर निकलूँगा और मुझे कोई धक्का दे देगा, बिना मतलब के ही खुद का सर पीटने का मन करता है, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पापा ने बोले कि ये तो बहुत वर्स्ट कंडीशन हो गई है, इसके लिए हमको अपने पूर्वजों से प्रार्थना करना पड़ेगा। पिताजी जो थे ना अरुण के, वो पूर्वजों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। उसी रात को अपने कमरे में बैठे और बहुत प्रार्थना की अपने पूर्वजों से कि आप ही कोई रास्ता बताओ, हम अब कोई बाबा के पास नहीं जाना चाहते, अब कितने डॉक्टर के चक्कर लगाएं, हम समझ गए कि इसको क्या परेशानी, आप हमारी मदद करो। आप विश्वास नहीं मानोगे, जब उसी रात को इसके पापा सोए ना, लगभग 2 घंटे तक सिर्फ याद किया अपने पूर्वजों को सच्चे मन से अपने बेटे के लिए। 2 घंटे बाद ये सोए हैं ना, तो इनको सपने में कोई बूढ़े व्यक्ति दिखाई दिए। अब वो कौन पूर्वज रहे होंगे, कौन ने इनके परिवार के, इनके खानदान के, नहीं मालूम, लेकिन वो सपने में दिखाई दिए हैं और लिटरली बोले हैं कि बच्चा ठीक हो जाएगा, एक बार ना उसके पूरे बॉडी के ऊपर से कुछ ऐसी ऐसी सामग्री है, सामग्री बोले उन्होंने लिटरली, हाँ उसके ऊपर से उतारा कर दो और घर के बाहर इसको फेंक कर आ जाओ, ऐसी जगह फेंकना जहाँ पर ज़्यादा कोई आता जाता ना हो, बच्चा ठीक हो जाएगा। ऐसा बोले हैं और उनको एकदम से ठंडी सी लगी बॉडी में और उनके पापा की नींद खुली। उनकी मम्मी को उठाया और बोले कि अभी करना पड़ेगा, मुझे सपने में ऐसा ऐसा दिखाई दिया। जो जो सामग्री बोले थे, सामग्री में एक नींबू था, थोड़ा चावल था, सिंदूर था, नारियल था,
इसको पोटली में बांधना था और भी एक दो चीज थी, फिर उसके ऊपर घुमाए। अरुण तो सोई रहा, अरुण को कोई अंदाजा नहीं, घुमाए और रात में ही रातों रात बाहर छोड़ कर आए, मतलब घर के थोड़ी आगे। विश्वास नहीं मानोगे, सुबह जब ये उठा है तो इसको बहुत बेटर फील हुआ। 4-5 दिन तक इसको देखे हैं, ठीक हो रहेगी नहीं, ठीक हो रहेगी नहीं, तो कहीं लेके जाए, लेकिन ये ठीक होने लगा। इसके हाथ में जो इतने दिनों से लगभग 1 महीने होते आ गए थे, उससे भी थोड़े ज़्यादा, इतने दिनों से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा था, फ़र्क पड़ने लगा। और कुछ ही दिनों में इसका प्लास्टर भी उतर गया, रॉड लगने वाली कोई नौबत नहीं आई। फिर कुछ समय बीत गया, मतलब लॉकडाउन के जस्ट पहले, ये लोग अपने कुल देवता के मंदिर में गए। तो इनके कुल देवता के मंदिर के पुजारी जी थे, उनसे बात की और पूरी बात बताए। पुजारी जी ने क्या बोले, किस तरह की जो घटनाएं होती है ना, वो बेताल शक्ति की वजह से होती है। इसने कुछ तो ऐसा किया होगा। बेटा तूने क्या किया बता, क्यों हुआ तेरे साथ ये सब कुछ? उस दिन अरुण ने अपने मम्मी पापा को सब बताया कि वो गाड़ी के नीचे मुझे क्या क्या हाथ में पकड़ आ गया था, शायद उसकी वजह से हो रहा हो। पुजारी जी ने बोले कारण वही था, और वो कोई नॉर्मल काला जादू नहीं था, वो बेताल का काला जादू था, वो बेताली शक्ति थी। वो इतनी खतरनाक, इतनी ज़्यादा ताकतवर होती है कि आपके बच्चे की जान लेके जा सकती थी, लेकिन आपके कोई पूर्वज थे जो आकर आपकी मदद किए और आपके बेटे की जान बचाए हैं। लिटरली उसने बेताल से फाइट की है। बस फिर क्या था, ये लोग बहुत खुश हुए, पुजारी जी को दान दक्षिणा दिए हैं, अपने कुल देवता जी से आशीर्वाद लिए हैं, घर लौटे और बेटों को, दोनों को पकड़ के समझाए कि देखो ऐसी कोई गलती नहीं करना है जो इसने कर दिया था, और अगर हो भी जाती है तो हमको आकर तुरंत बताओ, इतना लेट मत करो। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि अनिकेत ने इंस्टाग्राम पर लिख कर दिया। मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं, जिससे आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख, एक अलग ही मनोरंजन मिले। तो इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को 10 में से रेटिंग देना बिल्कुल भी मत भूलना, जितने भी नंबर लगे अच्छे लिख देना, देख के मुझे भी अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।